हाय फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल का लड्डू। ये ताजे नारियल का लड्डू है, तो आइए देखें नारियल के लड्डू में क्या क्या लगेगा। ये एक नारियल का कद्दूकस किया हुआ है, काला वाला भाग हटाया हुआ है। आप चाहो तो इसके साथ भी इसको यूज कर सकते हो। एक चम्मच घी, ये शुद्ध घी है। दो चम्मच शक्कर, मैं शक्कर कम खाती हूँ, इसके लिए इसमें शक्कर कम है, आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। एक कप दूध, छोटा चम्मच इलायची पाउडर, गार्निशिंग के लिए पिस्ता। तो आइए बनाते हैं नारियल का लड्डू। तो आइए सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम को लो करेंगे। ये पूरा नारियल का लड्डू जो है लो टू मीडियम पे बनेगा। घी, कद्दूकस किया हुआ नारियल, ये एक नारियल का है। इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसका कलर नहीं चेंज करना है। नारियल का सारा पानी सूख चुका है और 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं, तो अब इसमें हम लोग दूध डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि नारियल भी पक जाए और दूध भी सूख जाए। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, मीडियम टू लो ही रखेंगे। लगभग दूध सूख चुका है, इसे ऐसे ही लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नारियल अच्छे से पक जाए दूध में। दूध लगभग सूख ही चुका है, 1 से 2 चम्मच ही दूध बच रहा है, तो अब इसमें हम लोग चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा कर लेना, कम खाते हो तो कम कर लेना। ये देखिए दूध सूख गया है, नारियल जो है अब एक दूसरे में बाइंडिंग हो रहा है, लड्डू बनने को तैयार है ये। तो अब इस स्टेज पे हम लोग जो है इसमें इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहो तो इलायची पाउडर मत डालना, ये आपकी इच्छा पर है। नारियल का पानी पूरी तरह सूख चुका है, तो आइए अब इस गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको फिर रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और नारियल का लड्डू बनाएंगे। इससे इसको ठंडा करके लड्डू बनाएंगे। इसे अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनाएंगे। नारियल हम लोग का ठंडा हो चुका है, ये बिल्कुल हल्का गर्म है। अब इसका हम लोग लड्डू बना लेते हैं। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से रखना, छोटा बड़ा जो भी हो। ये देखिए इस तरह हाथों को थोड़ा सा प्रेस करके लड्डू बना लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए
नारियल का लड्डू बनके तैयार हो चुका है। ये लगभग 10 लड्डू बना है। इसमें मैं इसे पिस्ते से सजाई हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो। और ये मलाईदार लड्डू बना है हम लोग का नारियल का। ये बहुत ही टेस्टी होता है और व्रत में भी इसे खा सकते हो आप। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।